इतना बाद में रुक रुके मत करना, स्पेस छोड़े बाद में बस पे छोड़ो, समझो 63 ना बाबू, 63 बाबू जो भी नंबर है आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। कोई कोई स्टूडेंट बोला 65 होगा सर। अच्छा चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखो देखो समझना, अब लिखना बंद करो नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आसान से सुनो, ये पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज बाबू, बिकम बाबू चार माने कोई विलेज है, विलेज तो समझते हो बाबू, वहां पे पहले पॉपुलेशन कितना था सर, 4000 था, बाद में बाबू कुछ साल के बाद बढ़ के कितना हो गया बाबू, ये हो गया बाबू कितना हो गया 6000 हो गया है ना, कुछ दिन के बाद बढ़ के 2000 से बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ेगा ना बाबू है ना, सारे जगह बढ़ रहा है, आप लोग का स्कूल का बाबू स्टूडेंट पॉपुलेशन बढ़ता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ता है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तब ना स्टूडेंट बढ़ेगा। तो पहले किसी विलेज का बाबू कितना, पहले किसी विलेज का पॉपुलेशन कितना था, वो 4000 था, बाद में बढ़कर 6000 हो गया, तो कितना परसेंटेज राइज हुआ पॉपुलेशन बाबू, कितना परसेंटेज राइज हुआ ये पूछा, मतलब आपको क्या बोल रहा है, कितना परसेंट बढ़ गया, यही बोल रहा है परसेंटेज, कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गया बहन बाबू, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो आपको तरीका बताया था बाबू, का तरीका बताया था राइज इन पॉपुलेशन बाबू, परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन क्या बताया था, परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन समझना है, परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन, परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पहले कुछ लिखा है नहीं बाबू, कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, तो पहले 4000 था, बढ़ के कितना हो गया बाबू, कितना हो गया 6000 हो गया, तो आपको बताया था वो कैसे निकाल, बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, तो दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, हमने परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन आपको क्या बताया था, दोनों का क्या लेना, डिफरेंस लेना है ना, डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेना है ना, ठीक, डिफरेंस लेना, ठीक है, डिफरेंस लेना। अब बाबू बढ़ रहा है ना, देखो क्या रहा बाबू, राइज हो रहा है ना बाबू, राइज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो छोटका वैल्यू लेंगे, बढ़ेगा ना बाबू कोई भी चीज बढ़ेगा, तो डिफरेंस ले लेना, और कौन लेना, छोटका वैल्यू, छोटका वैल्यू कौन लेगा, स्मॉलर वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉलर वैल्यू लेंगे ना, कल बताया था ना बाबू, कम लेंगे स्मॉलर वैल्यू लेंगे, स्मॉलर वैल्यू लेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, अब परसेंटेज का क्या देंगे, सेम बोल देंगे है ना, यही करेंगे, कल तो यही बताया था, हाँ सर, तो डिफरेंस कितना है सर, छह सिक्स थाउजेंड और 4000, तो डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं सर, 6000 माइनस 4000, अब बटा क्या हुआ, स्मॉलर वैल्यू, छोटका वैल्यू, तो छोटका वैल्यू 4000 6000 में कोई भी मेरा एलकेजी का बच्चा रहेगा वो भी बता देगा 4000, यहाँ देखो कोई भी चीज बढ़ेगा तो यहाँ पे छोटका वैल्यू लेंगे, और कोई भी चीज घटेगा तो डिनोमिनेटर में बड़का वैल्यू लेना है ना, तो छोटा वाला वैल्यू कौन सर, 4000, छोटा वाला वैल्यू कौन सर, 4000 इंटू कितना सर, मल्टीप्लाई 100, और हम लोग क्या देंगे, परसेंटेज का सिंबल देंगे, 4000 में 6000 में 4000 में 4000 सबट्रैक्ट करो ना, मम्मी क्या पढ़ाई है, 2000 पढ़ाई है, 6000 में 4000 सबट्रैक्ट करोगे तो 2000 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 10 20 30 मर गया, ठीक, 2 से बाबू ये 2 टाइम्स मर गया, 2 से ये 50 टाइम्स में मर गया, ये इतना क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, तो कितना हो गया, 50% आ गया, मतलब बाबू शहर गांव की जनसंख्या कितना बढ़ गया, 50% से बढ़ गया, कितना परसेंट से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया है ना, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू है ना, नेक्स्ट इफ द प्राइस ने क्या करा बाबू, यहाँ पे क्या चाय है, तो पहले चाय का प्राइस कितना था, 16 रुपया था, पहले क्या था बाबू, प्राइस चाय का प्राइस कितना था, 16 रुपया था, बाद में प्राइस क्या हुआ, बिल गो डाउन, घट गया, गो डाउन मैंने क्या हो गया, कम हो गया है ना, घट गया, अब कितना रुपया हो गया सर, 12 रुपया हो गया, पहले मान लो चाय का बाबू एक पुरिया एक पैकेट 16 रुपये में मिल रहा था, बाद में बाबू आदमी है ना बाबू कब चाय कम पीने लगा, तो ये प्राइस घट के कितना हो गया, 12 रुपया हो गया, प्राइस घट के कितना हो गया, 12 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया ना, 12 रुपया, तो कह रहा है वो परसेंटेज फॉल इन प्राइस, प्राइस में बाबू है ना बाबू चाय के प्राइस में कितना परसेंटेज फॉल हुआ है ना, पैसा घटा ना, दाम घटा तो कितना घटेगा, तो देखो कैसे करना, परसेंटेज बाबू पहले चाय मेरा बाबू, पहले चाय कितना था सर, 16 रुपया में एक पैकेट मिल रहा था है ना, 16 रुपये में एक, मान लो 100 ग्राम वाला पैकेट होगा, अब उसका प्राइस घट के बाबू 12 रुपया में मिल रहा है, तो कह रहा है दाम तो घटा ना, अरे सर दाम घटा ना, हाँ सर कई रुपया घटा, 16 से 12 हो गया, 4 रुपया घट गया सर, 4 रुपया घट गया, लेकिन हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे, परसेंटेज पढ़ रहे, तो क्या बोलेगा कि कितना परसेंटेज घट गया, कितना परसेंटेज घट गया, तो परसेंटेज फॉल इन प्राइस बाबू, परसेंटेज फॉल इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंटेज फॉल होगा, परसेंटेज फॉल इन प्राइस क्या सर, तो घटेगा चाहे बढ़ेगा, तो हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, आपको कल ही ना बताया बाबू, जब भी कोई भी चीज घटे ठीक है, कोई भी चीज घटेगा चाहे बढ़ेगा तो क्या लेना है, डिफरेंस लेना, और यहाँ घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो हम लोग कौन लेंगे नीचे में, बड़का वैल्यू, घट रहा है तो कौन सा लेंगे, बड़का वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू यही लेंगे ना, ग्रेटर वैल्यू,
यही तो बताएं कल, दो दिन से या इनटू 100 आएगा परसेंटेज का क्या देंगे, सैंपल देंगे, यही करेंगे ना? हाँ सर यही तो करेंगे, नेक्स्ट तो डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना 16 एगो वैल्यू 12 डिवाइड बाय ग्रेटर वैल्यू 16 है ना, मल्टीप्लाई 100 एगो परसेंटेज का सैंपल, 16 माइनस 12 मम्मी क्या पढ़ाई है 4 अपॉन 16 इंटू 100 और इंटू परसेंटेज, ये बाबू 4 से या ये से 25 तो कितना परसेंट घट गया, 25% चाय का दाम, चाय का दाम कितना घट गया, 25% घट गया। लिखिए बाबू अब क्वेश्चन का मेरा आंसर सही था। अच्छा ठीक है बिट्टू, वीडियो बिट्टू अंकित मंगला स्थान अटेंडेंस बनाते, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। शालिनी बाबू अंकित मंगला स्थान नहीं आई है, बंद काहे कर लेती बाबू, ए बिट्टू ऑन कीजिए बाबू, घर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रही हो? अभिनव के घर से। क्या बर्थडे था बाबू? नो सर, आंटी को मेहंदी लगाना था। अच्छी बात है बाबू, यही सब आप करते रहिए, मेहंदी लगाइए, पढ़ाई छोड़िए, लिखे रही थी सर, दो दिन स्कूल भी नहीं आई है। हाँ बाबू मेहंदी ही लगाते रहती है सबका, ना फीवर में तो किधर से चले जाऊं स्कूल, तो फीवर में मेहंदी लगाने जाओगे, आंटी को कोरोना हो गया तो। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी जल्दी, अब हम बाबू एगो खतरनाक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना बाबू? इस टॉपिक से बाबू क्वेश्चन आप, इस टॉपिक से बाबू सम्यक नहीं आया जी आज, सम्यक सम्यक गायब है, आज हो गया अगस्त मंथ है ना बाबू, आज हो गया 5 तारीख, फोन करना पड़ेगा शैतानी फिर। स्वाति है, अनुज है, आर्यन है, अंकित, ये अंकित तो है, ये बिट्टू है, लक्ष्मी है, कौशल है, गौरव है, मोहित है, सपना, श्रुति, सत्यम, सत्यम नहीं है, शैतान, उत्कर्ष, सानवी, प्रधान, प्रधान बाबू, प्रधान 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 भी नहीं बाबू, अगर आप उसको टाइटल्स क्यों बुलाते हैं? अमरजीत प्रधान है, टाइटल बोलने में आसान होता है बाबू। शर्मा जी, संजना, अंशुजीत, सोना, हर्षिता है, रौनक, चिया, निक्कू, अंकित मंगला स्थान, शैतान दो को एब्सेंट था, आज एब्सेंट हो गया, 4 एब्सेंट है बाबू तेरी भूत के। सम्यक हो गया, डन सर, सत्यम हो गया, प्रधान हो गया, अंकित हो गया, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब हम लोग बाबू कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक इसी में बाबू खतरनाक टॉपिक है, एस कछुआ, वीडियो ऑन कीजिए, एस सुजीत, अंशुजीत कहाँ बंद करता जी? तो पानी पी रहा था, पानी नीचे लगा क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो बंद करेगा पानी पिएगा तो। सर इसमें कोई बैच ए का स्टूडेंट ज्वाइन किया है? बैच ए वाला नहीं कोई रहता, वो तन्नू हो गई, तन्नू बैच ए की है। यस सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, खतरनाक बाबू, इसको हम लोग कहेंगे खतरनाक कंसेप्ट। जैसे बाबू आपको क्वेश्चन ये आप लोग को पढ़ना रहे बाबू, मान लो कोई स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का साइड बाबू मान लो 5% बढ़ जाता, तो एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा आपको बाबू, ये सब क्वेश्चन आएगा ठीक है ना। कोई स्क्वायर है बाबू, है ना, तो स्क्वायर है बाबू, अभी इसका साइड है बाबू, मान लो इसका साइड कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, 10 हो गया, अब इसका साइड बढ़ के कितना हो गया बाबू, 10 से मान लो कितना हो गया, बड़ा हो गया, स्क्वायर है, अब स्क्वायर क्या हो गया, बड़का हो गया, स्क्वायर क्या हो गया, बड़का हो गया, बड़ा स्क्वायर हो गया ना, तो कह रहे हैं इसका एरिया में कितना परसेंटेज चेंज होगा, कितना इसका एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग चुटकी में कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू हम लोग चुटकी में कैसे करेंगे वही आपको हम बताने जा रहे हैं ना। तो इसके पीछे बाबू बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, कुछ हो नहीं, एलकेजी का है ना, एलकेजी का, तो इस कंसेप्ट से बाबू आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के साथ आंसर आ जाएगा, देखोगे आंसर आ जाएगा, देखो कैसे करना है, देखोगे आंसर आ जाएगा, डर क्या लगना बाबू, है ना, तो ये भी एक दिन दो दिन चलेगा बाबू, ये वाला अभी खतरनाक वाला टॉपिक जो रहेगा, है ना, नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे, खतरनाक कॉन्सेप्ट कि नहीं, है ना बाबू।
देखो इसे आंसर लाने के लिए तरीका आसान है ना, सर आगे खतरनाक भी लगा दें। हाँ बाबू डेंजरस कंसेप्ट कर देते कि ना कि देखो आंसर जिंदगी में हमेशा यूज होगा, कोई भी एग्जाम दोगे इंजीनियरिंग दो नॉर्मल कंसेप्ट लिखिए ना सर, नॉर्मल कंसेप्ट डेंजरस कंसेप्ट नहीं लिखोगे। अरे सुधा आप इंजीनियर पेयर में भी लिखेंगे। अच्छा ठीक है, इंजीनियरिंग का एग्जाम दो, मेडिकल का दो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यूज होगा है ना। दो क्लास चलेगा, दो तीन क्लास चलेगा, शांति समझना ठीक है। वो पहला नंबर इसमें इफ बाबू एनी क्वांटिटी लिखते चले फिर समझाते हैं। इफ बाबू एनी क्वांटिटी लिखिए, रोना नहीं है सर, हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा, आ जाएगा, पहले लिखने दो, लिखो चलो, लिखते चलो। इफ बाबू एनी क्वांटिटी बाबू सर कॉल आ गया था इसलिए वीडियो बंद था। अच्छा फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय x%, देन बाबू एंड देन increased by by percent, then overall या equivalent, नहीं था then overall या equivalent percentage increased। हमको कुछ ना समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, देन ओवरऑल इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज, विल बी। इसका इतना स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, डेट इज फर्स्ट बाबू पहले कोई क्वांटिटी है x% बढ़ गया, ये एरो हुआ बढ़ जाने का, एंड बाबू देन कितना इंक्रीमेंट हो गया, एंड देन बाय परसेंट इंक्रीमेंट हो गया। तो इक्विवेलेंट जो इंक्रीमेंट होगा इसलिए बता दिए बाबू कि मेरा कौशल परेशान कर लेता बाबू कि कैसे बनाएंगे है ना। तो ये परसेंटेज का चैप्टर, ये परसेंटेज का टॉपिक है ना, तो इसको हमको यहाँ पे बताना है, जिसको मेंसुर रेशन पढ़ा था अच्छी बात है ना। क्या है सर ये याद है मुझे अभी। अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना बाबू, एक्स प्लस वाई बाबू है ना बाबू, दोनों का सम, दोनों का समझाते क्या, एक्स वाई बाबू इंटू 100 हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा सर। हाँ लिखे, रोना नहीं है सर, लिखे रोना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू 65, 66, 67, जैसे मान लो कोई चीज है बाबू, आपके पापा का सैलरी है 10% बढ़ गया पहला साल, और दूसरा साल भी आपके पापा का सैलरी कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ये एरो होता बढ़ने का, एरो होता इंक्रीमेंट दिखाता, ये जो एरो है बाबू अपवर्ड एरो है, मतलब पढ़ा चुके हैं ना सर ऐसा वाला। अरे शैतान, तो रिविजन होता पढ़ा चुके बाबू, ठीक है ना, पढ़ा चुके बाबू, उसमें पढ़ा चुके आपका मेजरमेंट में पढ़ाए थे। और ये डाउनवर्ड एरो बाबू डिक्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बच्चा नहीं पढ़ा बाबू, डाउनवर्ड एरो क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ से परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, लिखिए फिर समझाते हैं, हमको पता बाबू नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सम। हाँ आपको तो आइए रहा चेतन, जो पुरान का 4 साल से पढ़ा है उसको तो इधर करेगा, दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 100, 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा, 21% बढ़ेगा। देखो मतलब समझाते हैं आपका,
इसका बहुत एप्लीकेशन है बाबू, जो ठीक है, जो दोबारा पढ़े, जो दोबारा पढ़े बाबू उसके लिए सोने पे सुहागा है। कैसे सर? क्योंकि बाबू इसका यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में एप्लीकेशन आएगा, तो आप सीख जाओगे कि कैसे कैसे यूज है। जो सिंगल पढ़ रहे बाबू उसके लिए और बढ़िया की बात है बाबू, क्योंकि उसके दिमाग एकदम खाली है तो उसको यूज करना आसान है ना बाबू। गीली मिट्टी को तैयार करना आसान होता है वो बर्तन बनाना। लिखे फिर समझाते हैं सर, आपने आंसर क्या लिखा है? 21 है, 21 है। शालिनी डन सर। शालिनी देखे समझाते बाबू। यस सर। कहाँ है वीडियो बंद थी बाबू, क्या कर रही थी? मेहंदी लगाने वाला वीडियो देख रही हो? नो सर। लग तो रहा है बाबू, चार स्टूडेंट गायब है जी, कैसे होगा ये सब शैतान। ए अंशुजीत, अंशुजीत इसको फिर पापा ही फोन करना पड़ेगा। देखिए हर्षित अमन से पढ़े बाबू। गौरव भी है, क्या वो इंक देख रहा है बाबू? अभी ऑन है ना सर, देख रहा था, खत्म हो गया। देखे मिस्टी समझाते हैं बाबू, परसेंटेज में पढ़ी हो बाबू? मिस्टेक नहीं पढ़ी हो सर? पढ़े तो मान लो बाबू। हाँ बाबू ने मान लो सर के बाबू रेक्टेंगल बाबू स्क्वायर का एरिया 10% से बढ़ा दे, बाबू स्क्वायर का साइड 10% से बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा बाबू? मिस्टेक 21% बताए बाबू। सर क्या कहाँ खोई? स्क्वायर का एरिया साइड अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 21% बस। देखो हमारा बच्चा ऐसे बना बताता है। अब 20% बढ़ाएंगे तब मिस्टी साइड का, वो कोई साइड है उसका स्क्वायर 20% बढ़ जाए तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 42% नहीं बाबू, कितना बढ़ेगा बाबू? 44% मेरी स्वाति भी आजकल बोलने लगे, वेरी गुड बाबू। चलो देखो समझाते हैं। देखो तो कछुआ इसमें तेज है बाबू, टना टन है। देखिए तो देखिए समझिए कुछ नहीं इसका बाबू, बहुत बहुत ज्यादा यूज है। एरिया वाला क्वेश्चन बाबू देखने के साथ बनेगा, सैलरी वाला क्वेश्चन बाबू डायरेक्ट साथ बनेगा। देखो क्या करा, मान लो कोई क्वांटिटी, जैसे मान लो आपके पापा जी बाबू सरकारी नौकरी है ना, तो हर एक साल सैलरी बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता नहीं इंक्रीमेंट। तो मान लो वो पहले साल आपके पापा जी का सैलरी X% बढ़ गया, दूसरे साल Y% बढ़ गया, तो दोनों साल मिला के ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? वही कह रहा, मान लो पापा जी का सैलरी 10% बढ़ा और दूसरे साल 10% और बढ़ गया। पहला साल बाबू जैसे अभी 23 है तो 23 में 10% बढ़ा, फिर 24 में 10% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ेगा? तो 10+10 20%। नहीं गलत है ना, उसे मत जोड़ देना, उसका जोड़ने का यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला होता है ना बाबू, यही फार्मूला होता है। मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, कोई स्क्वायर है और उसका साइड बाबू एकदम बाबू जो एक बार पढ़ चुके उसके लिए सोने पे सुहागा, कोई एक साइड स्क्वायर है, इसका साइड बाबू मान लो कि 10% बढ़ा दिए, साइड इसका 10% बढ़ा दिए, तो कहेगा एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे? वही बात है सर, सारा का एक है, सारे टाइप के क्वेश्चन का एक है बाबू, ब्रह्मा शास्त्र है ना। तो वही कह रहा है कोई क्वांटिटी है बाबू, क्वांटिटी की जगह आपके सैलरी हो सकता है ना, वो रेक्टेंगल का साइड हो सकता है ना, कुछ हो सकता है ना वो, हमारे हाइट हो सकता है कि नहीं, हाइट हो सकता है, किसी भी शहर का पॉपुलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ एनी क्वांटिटी बाबू फर्स्ट इंक्रीज, पहले बाबू मान लो कि 10% बढ़ रहा, दूसरा बाबू सेकेंड बार क्या बढ़ गया, 22% बढ़ गया, तो जो इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट होगा कैसे निकालोगे? तो जो इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट होगा बाबू है ना, देन बाबू ओवरऑल या इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट विल बी बाबू है ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, एक्स परसेंट ये एरो बताता है बढ़ रहा, मान लो पहले एक्स परसेंट बढ़ा उसके बाद क्या बढ़ा, 22% बढ़ा, तो जो इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट होगा कैसे निकालोगे? दोनों का सम कर दोगे प्लस दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 100% कर दोगे, मैंने इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे? दोनों का सम एक्स प्लस बाई प्लस दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू बाई डिवाइड बाई 100% का सम बोल दे देना, ठीक। इसी तरह से इक्विवेलेंट निकालेंगे, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पापा जी का सैलरी है बाबू
पहला साल 10% बढ़ गया, अगला साल भी 10% बढ़ गया, तो कहेगा कि बाबा जी आपसे पूछेंगे कि बता बेटी कि पापा कि पहला साल सैलरी 10% बढ़ गया मेरा, अगला साल भी 10% बढ़ गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा? तो 10+10 नॉर्मल बेटी रहेगी जो क्या बोलेगी 10+10 20, तो हो गया कल्याण। 20 नहीं बोलना, कैसे निकालोगी? पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल 10% बढ़ा, तो दोनों का सम 10+10+ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 10×10/100। ठीक, 10+10 कितना सर? 20 होगा। कि 21 कैसे रहा सर, जब एक 10 अपने पास, एक 10 अपने पास। अरे शैतान, समझिए ना बाबू, अभी समझो कितना कैसे करेंगे बाबू। मान लो 10% बढ़ गया, 10% तो इसी फॉर्मूला लगाना, 10+10 कर देना और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करना 10×10 और डिवाइड बाई कितना 100 परसेंटेज का सिंबल देना। देखो एगो जीरो से एगो जीरो मर गया, एगो जीरो से जीरो मर गया, ठीक है ना। तो 10+10 कितना, और यहाँ से बाबू ये प्लस है तो ये 1 बचेगा ना बाबू, यहाँ से बाबू ये प्लस है तो प्लस इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है ना जी। यहाँ से सोल्व करो, कटपीट करोगे तो 1 बचेगा, तो 10+10+1 कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, 21% हो जाएगा ना, 21% हो जाएगा ना। शांति से समझना है ना, तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इस पे बहुत सारे बाबू कंसेप्ट है, आप जब ग्रेजुएशन करोगे ना तो वहाँ भी यही सब पूछता, तो वहाँ देखने के साथ आंसर मारना। अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, ये सब डाटा याद रखना, ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। 10-10 वाला इक्विवेलेंट 21 आएगा, समझे चाहिए आके ना समझे बाबू। सर ये तो समझ गया कि 21 कैसे x x plus x है सर, तो पहले अपन x plus x क्योंकि प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, x plus x upon divide by 100 करेंगे तो जो आंसर है वो आंसर है। हाँ चलिए नेक्स्ट बाबू, समझना समझना। जैसे 10% बढ़, ये सब याद रखना, याद पढ़ना। मान लो बाबू आपके पापा जी का सैलरी बाबू 20% बढ़ गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पापा जी, दिन रात आदमी कंपनी वाला खुश हो गया, जा हम 20% बढ़ा देते, जिंदगी में कभी ऐसा होता नहीं। तो पहला साल 20% बढ़ गया, और दूसरे साल भी बाबू क्या होगा, अभी इसमें घटेगा बढ़ेगा बहुत कम्बिनेशन है, दूसरा साल भी बाबू मान लो 20% बढ़ गया, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा सर, तो कैसे निकालेंगे? हाँ मेरे लाल बता दिए बहुत, आप तो खन खन करोगे। परसेंटेज बाबू, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट, कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट, कितना दोनों का सम करेंगे 20+20 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20×20/100 × परसेंटेज का सेम बोल देंगे, एक जीरो से एक जीरो, आइए जीरो से एक जीरो, 20+20 अब +2+2 कितना 4 हो जाएगा, 100 हो गया तो कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, है ना। मतलब पहला साल 20% बढ़ा, दूसरा साल 20% बढ़ा, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा 44% होगा। इसी में बोलेगा बाबू कि मान लो कोई स्क्वायर है सर, जिसका साइड हमने क्या बढ़ा दिया, स्क्वायर का साइड 20% बढ़ा दे दिया, है ना, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 44% एरिया बढ़ जाएगा, 44% एरिया बढ़ जाएगा, तो कराएंगे सर क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट बाबू। अगर 30-30 रहेगा तो ये सब डाटा याद रखना, ये सब डाटा याद रखना, ये सब वो डायरेक्ट याद रखना। मान लो वो 30-30 है, 30-30% है, 30% इंक्रीमेंट हो रहा है, अब फिर 30% इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 30-30 का कितना होगा, 30-30 60 66 है ना बाबू, नहीं 69 देखो परसेंटेज इंक्रीमेंट है ना बाबू, कितना आसान है, इसमें दो तीन क्लास चलेगा अभी, यही सब में करना, जिसको ये वाला समझ में आ गया ना, आगे हमेशा बढ़वे करेगा पापा जी को, मान लो बाबू है ना बाबू कहीं बिजी हो गए ड्यूटी नहीं, परसेंटेज घटवो करेगा ना, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा बाबू दोनों का सम, इंक्रीमेंट लिख दिए सर, इंक्रीमेंट लिख, अच्छा इंक्रीजमेंट, चलो परसेंटेज इंक्रीमेंट करके 30+30 ऊपर भी गलत लिखा है, अच्छा बाबू इंक्रीमेंट है या इंक्रीजमेंट, शैतान गलत हो गया, इंक्रीजमेंट इंक्रीमेंट होता है ना जी सर, इंक्रीजमेंट, अच्छा ठीक है लिखो जी, ठीक, या 30-30 है तो दोनों का सम 30+30 है, इनटू दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100 इंटू परसेंटेज करेंगे कितना होगा, 1020 मर गया तो कितना हो जाएगा 30+30+9 कितना हो जाएगा 69% हो जाएगा, 69% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69, लिखो बाबू नेक्स्ट बाबू, इसमें अभी कम्बिनेशन बहुत सारा होगा,
ये सब डाटा को डायरेक्ट याद रखना। कहने समझ में आ रहा है रौनक? सर आ गया समझ। आदित्रि नहीं आ रहा बाबू, रो रही आदित्रि। ए आदित्रि सर ये तो आ गया मेरे को सर। काहे रो रही बाबू? तब लास्ट में जो भी नंबर है ना उसका स्क्वायर हो जा रहा सर, जीरो को हटा। हम लोग डायरेक्ट यूज करेगा, दस दस का, इक्कीस, बीस बीस का, चौवालीस। सोचने वाला सोचते रहे कि इतना तेज कैसे बच्चा हो गया। सोचे वाला को सोचने दो। अगर मान लो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर मान लो 20% इंक्रीमेंट होगा, डिफरेंट रहेगा तो कुछ ना करेंगे सर, डिफरेंट भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, परसेंटेज इंक्रीमेंट वैसे ही करेंगे सर। 32% अच्छा ठीक है, परसेंटेज इसका बहुत बड़ा यूज है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना सर? 10 बाबू सर, 10 प्लस 20 प्लस। मर गया यहाँ, परसेंटेज हो गया 10 प्लस 10 20, 32% हो जाए। सर आसान है ये तो, आ गया। नेक्स्ट अगर 3-2 साल है बाबू, इंक्रीमेंट ना लिखा रहे थे सर, इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट सर ये तो ठीक है। चल आप 3 साल का होगा तो सर 3 का कैसे करेंगे सर? फिर उतना काटना पड़ेगा। लिखे ना कोई दिक्कत, इंक्रीजमेंट और इंक्रीमेंट लिखे ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अगर सर 3 हाँ 3 रहेगा सर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल बढ़ेगा। देखो कैसे करना है, मैं समझ में आ रहा है सानवी? सानवी सर आ रहा है तो ना पढ़ी थी परसेंटेज में शैतान? नहीं सर। अरे बाबू इसीलिए तो हमारे यहाँ टाइम लगता है, स्कूल वाले आधा पढ़ा। अभी अलजेब्रा में जहाँ पे अपन लोग पहुँच गए सर, बैची में उतना अभी तक मेरे को नहीं पढ़ा। 7th में सर, 6th में अलजेब्रा आके चला भी गया सर, उतना बिल्कुल नहीं करता था मेरे को। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, सर मेरा भी 6th में आया था सर। आज अभी मेरे अच्छा ठीक है ती, 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 तीन वाला पढ़ो, तीन वाला, तीन वाला। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, एगो तीन वाला करते उसके बाद छोड़ा थी। ठीक है एगो तीन वाला कर लेते हैं सर, पहला सर टाइम ना हो गया। अच्छा ठीक है वो समझो, तीन वाला आसान है। 10-10% का इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ बाबू, कौन बताएगी? बता दो आदित्रि, 10-10% इंक्रीमेंट हो रहा तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 21% आज शैतान शर्मा जी, 10-10 का कितना आएगा आदित्रि? आदित्रि 21 का हल गला फाड़ रहे बाबू, हमारी आदित्रि कहाँ गई? कितना आएगा आदित्रि बोले ना, बोलोगी तो शुरू में ना करवा दो सर, 10-10% का बाबू। फिर पढ़े जान पर जैसे बात, पहला साल 10%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 10%। तो पहले बाबू क्या करो, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, पहले 10-10 का इक्विवेलेंट। दिख ही नहीं रहा सर, लाइट दिख रहा है। अच्छा लाइट दिख रहा है, चलो ठीक है। पहला साल बाबू कितना? 10% आए शैतान सांद्र, पहला साल 10% बाबू, दूसरा साल अच्छा ठीक है, दूसरा साल भी 10%। ये सब शैतान को भगा देंगे, पढ़ा दिया हवा में उठ गए। पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा साल 10% बढ़ा, तीसरा साल 10% बढ़ा, क्या हो गया? क्या हुआ जी? आप ही तो बोले सर भगा देंगे। यस सर। अरे शैतान शांति सुन, देखो पहला साल म्यूट करो, पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा बढ़ा, तीसरा बढ़ा, तो हम लोग पहले ये दोनों का 10% निकाल लेंगे।
पहले दो साल का इक्विवेलेंट 10-10% का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे तभी निकालें, 10-10 का कितना आता है? 21% सर। अरे ठीक है चाचा, ये दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या करो दोनों का सम 10+10 और दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100 इनटू परसेंटेज, यही करेंगे। और तीसरा वाला भी रहने दो, तीसरा का 10% रहने दो, तीसरा वाला का 10% रहने दो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, निकालेंगे फिर इसको इनटू कर देंगे उससे, है ना। हाँ, ये दो जीरो मारे टायर 10-10 से 21 हो गया, 21% हो गया, 21% इंक्रीमेंट हो गया। अब उसके साथ किसके साथ, इसके फिर 10% के साथ निकाल दो, 3 रहे 4 रहे, दो दो को पेयर करके निकालो, 21-10 का फिर निकालो बाबू, तो 21-10 का कितना हो जाएगा, दोनों का सम 21+10+21 × 10/100 कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 21 एगो जीरो मर गया, 21+10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा सर, 33.1%। ठीक है, ठीक है, 21/10 इतना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, और 21/10 का वैल्यू 2.1 होता, मम्मी यही पढ़ाई है ना, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा बाबू प्लस 2.1 हो जाएगा, इतना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा 31 + 2.1 कितना 33 हो जाएगा, 33.1% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मान लो बाबू आपके पापा जी का सैलरी 10% बढ़ा, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, 33.1% होगा, है ना, 33.1% होगा। लिखिए बाबू। सर DIY दे दीजिए। हाँ बाबू दे रहे हैं बाबू। अब ये सब का बाबू, यही सब क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, कोई स्क्वायर पूछेगा, रेक्टेंगल पूछेगा, कहेगा इतना बढ़ गया वैल्यूम, इतना बढ़ गया वैल्यूम, कहेगा बाबू क्यूब का वैल्यूम 10-10% इंक्रीमेंट हो गया, तो उसका एरिया में भाई साइड 10% बढ़ गया, वैल्यूम कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, तो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 72 नंबर, ये बना के लाना। मान लो वो 10% बढ़ रहा है, 4 times बढ़ गया, 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट 4 times बाबू, फिर 10% इंक्रीमेंट साइड, और फिर 10% बनाएंगे सर, तो 21 का आंसर उसकी बात कर देंगे, दो दो का 10-10 का 21, फिर लास्ट दो का 10 का 21 का निकालो, जैसे 20% इंक्रीमेंट, फिर 20% इंक्रीमेंट, फिर 20% इंक्रीमेंट, फिर 20% इंक्रीमेंट, 74 नंबर सर साइड। हाँ बाबू सर छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, 10% इंक्रीमेंट, 15% इंक्रीमेंट, और 20% इंक्रीमेंट, बस 3 देते हैं। अरे सर 74 कैसे करेंगे सर, ये तो पढ़ाए नहीं कि अलग अलग कैसा होता है, ये दोनों का पहले निकालो तो उसके साथ तीसरा निकालो, यही ना था सर, दो का निकालो ना। अच्छा ये सही है, सही है सर, लिखे वो जल्दी, लिखे जल्दी, लिखे वो सर 36.41 होगा 72 का। हाँ मेरे लाल, 4 students गए भाई, 4 वही फोन करना पड़ेगा। अदित्री काहे रो रहे बाबू, मंडे को टेस्ट दीजिएगा। अरे टेस्ट आप लोग कब, कल नहीं दोगे बाबू, मंडे को दीजिएगा, ठीक है। कल देंगे सर, कल देंगे संडे को, इंग्लिश का क्लास होगा बाबू, संडे को इंग्लिश का क्लास होगा, तो कैसे दे पाइएगा सर, संडे को क्लास के लिए बात कर लो मम्मी से।